दोस्तों, जैसे जैसे भारत से लेकर यूरोप तक बनाए जाने वाला आर्थिक गलियारा धीरे धीरे अब हकीकत बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत यूरोपियन देशों के साथ एक एक करके अपने संबंध मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिसमें लेटेस्ट स्टेप के तहत हमने इटली के साथ डिफेंस और माइग्रेशन के क्षेत्र में काफी बड़े एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इटली का दौरा किया, जहां पर इटली की राजधानी रोम में दोनों देशों के बीच डिफेंस से लेकर माइग्रेशन के क्षेत्र में काफी बड़े एग्रीमेंट साइन हुए। बता दें कि पहली बार भारत ने इटली के साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट और प्रोफेशनल वर्कर समेत विद्यार्थियों का इंटरचेंज बिना किसी दिक्कत के किया जा सकेगा। भारत से हजारों की संख्या में लोग इटली में काम करने और पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, जिन्हें इस एग्रीमेंट के बाद काफी सहूलियत मिलेगी। बता दें कि इटली में अभी टोटल 180,000 भारतीय कम्युनिटी के लोग मौजूद है, जो यूरोप में ब्रिटेन और नीदरलैंड के बाद तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इनमें से ज्यादातर लोग पहली पीढ़ी के माइग्रेंट है, जो भारत से निकलकर पहली बार किसी यूरोपियन देश में पहुंचे हैं। ऐसे में इटली में रहकर ये लोग एग्रीकल्चर, डेयरी, लेदर इंडस्ट्री से लेकर सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर ये इटली की लेबर फोर्स का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इन लोगों को काम करने और वापस भारत से इटली जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए साइन किया गया मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट निर्णायक साबित होगा। वहीं इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि इटली के अपने काउंटर पार्ट के साथ उनकी मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही, इसके बारे में उन्होंने ट्विटर पर जानकारी भी दी। साथ ही हाल ही में साइन हुए एग्रीमेंट के अलावा भारत और इटली के बीच डिफेंस के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया। बता दें कि यह एग्रीमेंट भारत के रक्षा मंत्री और उनके इटली के काउंटर पार्ट के बीच हुआ, जिसमें दोनों देशों ने डिफेंस के क्षेत्र में एजुकेशन और पार्टनरशिप का विस्तार करने पर सहमति बनाई। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इटली के विजिट करते समय काफी सक्रियता से वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों के बारे में बातचीत करते नजर आए। भारत और इटली ने साथ मिलकर न सिर्फ यूरोप के लिए नासूर बन चुके यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की, बल्कि दोनों देशों के बीच में मिडिल ईस्ट की स्थिति समेत इंडो पैसिफिक में बन रहे लैंडस्केप पर भी काफी महत्वपूर्ण बातें एक्सचेंज किए गए, जो इस बात को दर्शाता है कि आगे जाकर डिफेंस में इटली और भारत की पार्टनरशिप काफी गहरी हो सकती है। इसके अलावा भारत की तरफ से इटली के साथ भविष्य में मजबूत संबंधों की कामना की गई और हमने G20 में इटली द्वारा किए गए सहयोग की भी तारीफ की। बता दें कि G20 के दौरान इटली की प्रधानमंत्री खुद भारत पहुंची थी और दोनों देशों के बीच में सहयोग भी काफी उच्च स्तर का देखा जा सकता था, जिसके बाद से भारत और इटली के संबंध लगातार तेजी से मजबूत ही होते जा रहे हैं और दोनों देशों की सरकारों के बीच साइन हुए ये दो नए एग्रीमेंट इस बात को साफ तौर पर प्रमाणित भी करते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर यूएई की तरफ से निकल कर आ रही है, जो भारत के अंदर अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात भारत के अंदर $50 अरब यानी 4,45,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश करना चाहता है, जिसकी आधिकारिक अनाउंसमेंट अगले साल की शुरुआती महीने में की जा सकती है। ये भारत के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा कि इससे हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी इकोनॉमी काफी मजबूत होगी। बता दें कि यूएई के साथ भारत के संबंध पिछले 5 सालों में लगातार तेजी से उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। इसी साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के बीच मीटिंग हुई थी, जिसका असर अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके तहत यूएई अब भारत के अंदर ऐतिहासिक निवेश करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भारतीय प्राइवेट कंपनियों को सऊदी अरब से लेकर कतर तक में कई करोड़ के सब स्टेशन बनाने के ऑर्डर मिले थे, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन और वाटर सप्लाई स्टेशन शामिल है। इसके बाद फिर कतर, जिसके साथ फिलहाल भारत का विवाद चल रहा है, उसने भी हमारी प्राइवेट कंपनियों को 1,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर दिया, जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनियां कतर के अंदर काफी बड़े स्तर पर बिजली और पानी सप्लाई करने की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाली है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे खाड़ी देशों में भारत की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ हमारी कंपनियों को वहाँ बिजनेस मिल रहा है, बल्कि खाड़ी देश भारत के अंदर निवेश करने के लिए तेजी से आगे भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सरकार की मजबूत पॉलिसी की वजह से खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध लगातार तेजी से मजबूत होते जा रहे हैं, खास करके यूनाइटेड
अरब अमीरात जो दुनिया के उन पहले ऐसे देशों में से एक है जिसने भारत को क्रूड ऑयल के लिए भारतीय रुपए की पेमेंट को स्वीकार किया और एक मजबूत मैकेनिज्म को बनाने की पहल की, जिससे अब पेट्रो डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो चुकी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम देशों में भारत के अगर संबंध सबसे ज्यादा किसी के साथ सही है तो वो यूएई है। और भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कॉमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।